गाइस जस्ट इमेजिन आपके सर्वर में एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो कि किसी को भी एक सेकंड में मार सकती है, और ऐसी एक चीज को पाने के लिए मैं अपना सब कुछ जाप पर लगा देता हूँ। मगर क्यों? वो बताने से पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक चैलेंज लिया है कि अगर आप मेरे बर्थडे से पहले 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा देते हो तो मैं गंजा होऊंगा। यस, आई डोंट नो मैंने इतना वियर्ड चैलेंज क्यों रखा है, बट यस, अगर आप मेरे को गंजा देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने में मेरे को काफी ज्यादा मेहनत लगी है, जल्दी से लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा दो। और अब चलते हैं कहानी में वापस। ये सर्वर कभी मेरे फ्रेंड का हुआ करता था, बट उसके गैंग मेंबर्स उसको बिट्रे करके सर्वर से बैन कर देते हैं। और अपने फ्रेंड को सर्वर में अनबैन करने के लिए मैं ये सर्वर ज्वाइन करता हूँ और एक टीम बनाकर उस गैंग के प्लेयर्स को मारता हूँ। लेकिन वो गैंग सर्वर में हैकर लाकर मेरे टीममेट्स को मार देती है, और उन हैकर्स को मारने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन चाहिए था। और ऐसा एक वेपन मेरे को मिल जाता है, बट उसके लिए मैं सर्वर के रूल तोड़ देता हूँ, और इसीलिए अब मेरे पीछे पूरा सर्वर पड़ चुका था। और देखो गाइस अब मेरे साथ आगे क्या होता है। लेट्स गो बोट भाई, हमें स्पोर्ट ओवर सेनपाई का हेड मिल चुका है फाइनली भाई, फाइनली। लेकिन बोट भाई एक दिक्कत वाली बात हो चुकी है यार, वो गैंग के बंदे फिर से बच के भाग गए यार। वो कितने मतलब चालू बंदे हैं, बहुत तेज बंदे हैं भाई ये। पर वो सब छोड़ो टेडी भाई, आप एक बात बताओ, आपने उन दोनों हैकरों को मारा तो सही, बट एक को तो आपने वन हिट शॉट से मारा और दूसरे को कैसे मारा आपने? भाई दूसरे को मारा है मैंने एंचेंटेड एरो से। इस सर्वर में एक एंचेंटेड एरो एग्जिस्ट करता है जिससे मैं किसी को भी वन हिट मार सकता हूँ। वन हिट एरो वो आपके पास कैसे आया? वो तो एक बहुत पावरफुल टीम के पास था ना। हाँ, और मैंने उस टीम को मार के उनसे वो एरो ले लिया। लेकिन टेडी भाई आपको कैसे पता चला वो एरो उस टीम के पास है? ओके, तो बोट भाई मैंने सर्वर से बाउंटी एक्सेप्ट करी थी, और मैं गया जब उन गैंग को मारने, तो मैंने सोचा था पहले कि मैं बाउंटी एक्सेप्ट करके बदले में जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उससे एक नई टीम और तब उन हैकर्स के सामने जाऊंगा। बट जब मैंने उस गैंग को मारा तो उनकी इन्वेंटरी से मेरे को एक एंचेंटेड एरो मिला जो कि वन हिट था, जिसकी मदद से मैं किसी को भी वन हिट मार सकता था। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं। भाई आपने बाउंटी का रूल तोड़ा। हाँ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, बाउंटी तो है। टेडी भाई क्या कर दिया आपने भाई, आपको पता भी है इस सर्वर में बाउंटी का रूल तोड़ना मतलब भाई इस सर्वर में 100 से भी ज्यादा बंदों की एक टीम है जो सिर्फ इसी चीज को मैनेज करती है कि कोई बाउंटी के रूल्स ना तोड़े, और अगर किसी ने वो बाउंटी के रूल तोड़े तो भाई वो जिंदा नहीं बचता है सर्वर में। आपने क्या कर दिया ये, अब हम कैसे बचेंगे उस टीम से? मतलब आपका कहना है कि बाउंटी को मैनेज करती है 100 से भी ज्यादा बंदों की गैंग? हाँ भाई, और भाई आज एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि बाउंटी के रूल्स तोड़ के उस गैंग से बच गया हो। यार क्या कर दिया आपने ये शिट। अरे यार बोट भाई चलो वो सब छोड़ो, देखो मैं इस सर्वर में आया था स्पोर्टू भाई को रिवाइव करने, ठीक है? मेरा काम है स्पोर्टू भाई को रिवाइव करना, और जो कि मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है? और स्पोर्टू भाई को रिवाइव करने के बाद वो देख लेंगे, उसके बाद अगर वो गैंग मेरे को बैन भी कर देती है तो क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो इस सर्वर में सिर्फ स्पोर्टू भाई को रिवाइव करने आया था, तो चलो फिर उनको रिवाइव कर देते हैं फटाफट, ठीक है? कर दो भाई। 3, 2, 1 लेट्स गो। व्हाट? वेट एक सेकंड। वेट, व्हाट? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? अरे आप प्लेस करके देखना, आप प्लेस करके देखना। हेड काम कैसे नहीं कर रहे? व्हाट? एक सेकंड पोर्ट भाई, उन्होंने चूना लगा दिया भाई, नकली हेड दे दी उन्होंने। शिट, ये तो नकली हेड है, मतलब असली हेड अभी भी उनके पास है। अरे बोट भाई आप उनके टीम में थे, आपको कैसे नहीं पता चला ये? भाई मेरे को उन्होंने कुछ बताया ही नहीं भाई इसके बारे में, शायद उनको शक था मेरे पे पहले से ही। अरे यार भाई ऐसी वो गैंग इस हेडस्टील सर्वर पे राज नहीं कर रही, मतलब कुछ तो दिमाग है उनमें। और फाइनली हमको कोई वर्दी ओपोनेंट मिला है भाई, इस बार तो बोट भाई उन्हें नहीं छोड़ना। लेकिन फिलहाल के लिए दिक्कत ये हो चुकी है कि अब हमारे पीछे एक नहीं दो गैंग है, एक बाउंटी वाली और एक सर्वर में जो ये राज करती है वो। तो बोट भाई सबसे पहले हमको किसी जगह पर जाकर एक नया प्लान बनाना पड़ेगा भाई। ऐसा तो कोई सेफ प्लेस नहीं है, बट हम कोई केव वगैरह में जा सकते हैं फिलहाल इमरजेंसी में। ओके तो ठीक है, फिर किसी केव वगैरह में चलते हैं। एक सेकंड, मेरे को सामने की तरफ कोई दिखा बोट भाई? कहाँ पर, कहाँ पर? ये रहा देखो सामने की तरफ, ये कौन है? ये एक सेकंड, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, आपने बुलाया क्या किसी को? नहीं नहीं मैं नहीं जानता, नॉर्मल प्लेयर होगा मे बी एसएमपी का। ओके तो फिर निकलते हैं, चलो। एक सेकंड, इसने पल करी, इसने पल करी। अरे ये पी पी कर रहा है। अरे भाई मार क्यों रहा है ये? एक सेकंड वेट, ये मार क्यों रहा है? ये उस गैंग का प्लेयर है क्या? मैं भी सोच रहा हूँ कि हम कोई वीक प्लेयर हैं। अरे यार भाई ले रहा हूँ हमारा, मैं तो पीपी के लिए तैयार ही नहीं था, मैं थोड़ा दूर चलता हूँ। आप कहाँ चले गए, दूर क्यों खड़े रह रहे हो? जब मुझे मार देगा तब आओगे क्या? अरे वन वी वन है यार, आप मार सकते बोट भाई, मारो यार लड़ो भाई। भाई एक काम करो, वो वन हिट शॉट मुझे दे दो, मैं मार लेता हूँ। अरे बोट भाई वन वी वन है, इजी है यार, मारो जल्दी फिर निकल भाई। नहीं तो वन हिट शॉट दे दो भाई मेरे को, मैं मारता हूँ। इसको पता नहीं अभी वन हिट शॉट के बारे में, इसको लग रहा होगा कि मार के हमारे हेड ले लेगा, इसको लग रहा है ये मार लेगा हमको। चलो तो वन हिट शॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स गो। एक सेकंड, अरे बोट भाई
ये 18 सोर्ड ग्लो नहीं कर रही और ये नॉर्मल लेदराइट सोर्ड बन चुकी है। वेट, अरे यार पैडी भाई मजाक करने का समय नहीं, अभी आ जाओ। एक सेकंड, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, इसको मारते जल्दी फिर मैं आपको बताऊंगा। डैडी भाई क्यों प्रैंक कर रहे हो, खत्म करो यार इसको। सच में मरने वाला डैडी भाई, पकड़ो इसको। मैं मार रहा हूं। लेट्स गो, गया। खत्म। लेट्स गो, चलो चलो चलो, इसका सामान उठाओ, इसका सामान उठाओ बोट भाई, जरूरी सामान उठा लो। अरे यार भाई टाइम वेस्ट कर दिया। अरे बोट भाई सबसे बड़ी बात ये देखो, 18 सोर्ड को क्या हो गया, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ, क्या हुआ, दिखाओ। ये देखो मेरे ग्लो ही नहीं कर रही ये। अरे लेकिन ये सब हुआ क्या, मैं देख ही नहीं पाया कब हुआ ये सब। ये अभी तो आपने उससे हैकर को मारा था, अभी क्या हो गया इसको। वेट, इस चीज का भी हमको पता लगाना पड़ेगा यार, ये क्या चल रहा है। 18 सोर्ड नॉर्मल सोर्ड बन गई, कैसे हो सकता है ये। आई डोंट नो यार, इसका पता लगाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए निकलते हैं यहाँ से, चलो फटाफट। चलो चलो निकलते हैं। 18 सोर्ड आपके पास है ना या मेरे पास है। हाँ, मेरे पास आपके है, मेरे पास, पास, पास। हाँ, मेरे पास है। अरे बोट भाई उस बंदे का हेड तुम्हारे पास आया क्या। हाँ, हाँ, मेरे पास आया। अरे यार मेरी इन्वेंटरी में भी काफी ज्यादा सामान है, अब मेरे को कुछ स्ट्रेंथ वाले पोर्शन देना प्लीज। हाँ ये ले लो। ठीक है, मेरे को पता नहीं है ना आगे क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ के भी ले लो, फायर रिस्क के भी ले लो। ठीक है ठीक है, डन 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 डन। ठीक है बोट भाई, इन्वेंटरी सेट हो चुकी है, चलो आगे चलते हैं। चलो 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 भाई, उस बंदे को ना कभी रिवाइव करके टॉर्चर करेंगे आराम से। फिलहाल के लिए हम एक सेकंड, बोट भाई वो देखो सामने कौन है। वेट भाई, राइट पे भी तो देखो। अरे भाई ये तो तीन बंदे हैं, तैयार हो जाओ। शिट भाई, तो लड़ने, अरे यार कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, इस सर्वर के बंदे हमेशा इनविजी रहते हैं क्या भाई। इस सर्वर में लोग जल्दी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, पीपी के टाइम वो इनविज लगाते हैं या। एक सेकंड, एक तो भाई। हाँ क्या हुआ, ये कहीं वो बंदे तो नहीं है। मोस्टली बंदे बाउंटी के टाइम भी इनविज रखते हैं, और आपने अभी बाउंटी का रूल तोड़ा है, तो कहीं ये लोग हम पे बाउंटी लगी है इसलिए तो हम पे अटैक नहीं कर रहे। वेट व्हाट, मतलब कि उस गैंग के बंदों ने हम पे बाउंटी रख दी है, और दैट्स व्हाई भाई ये सर्वर के प्लेयर हम पे अटैक कर रहे हैं। भाई ये बंदा कितना भाग रहा है, कहां गया, कहां गया भाई। खत्म, दूसरा भी गया, लास्ट बचा एक, वो यहीं कहीं होगा, जल्दी देखो उसे, वो यहीं कहीं पल करी थी उसने। बोरा 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 बोरा, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहा है, बच के ना भागे, इधर जा रहा है वो, जा रहा। अगर ये बच के चला गया तो ये शायद और ज्यादा टीममेट्स को लेके वापस आएगा। पकड़ो उसे, बोरा बोरा मेरे सामने। ठीक है, कहां गया ये, ये ऊपर ऊपर गेटी भाई। ठीक है, पल मार रहा था भाई, वो उधर गया। इतना भाग रहा है भाई ये, भाई कितना भगाएगा ये, मारो इसकी पल खत्म होने वाली होगी। चलो 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 चलो, टोटम पॉप हुआ इसका, टोटम पॉप गया, फिर से गया। पकड़ो इसे, चलो 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 चलो, भाई कितना भगा रहा है ये। ठीक है, मारो इसे, गया, लेट्स गो डैडी भाई। इस तीन बंदे चटका दिए भाई। बोट भाई अभी कितने बंदे और आएंगे यार। भाई कुछ पता नहीं भाई, शायद से बाउंटी वाले को कितने लोग आएंगे कुछ पता नहीं है भाई, हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी। भाई पूरा का पूरा सर्वर हमारे पीछे पड़ गया। एक काम करते हैं ना बोट भाई, तुम्हारा जो सीक्रेट बेस था उस पे चलते, क्या पता वो सेफ हो। वो जो जहाँ सबसे पहले गए थे हम, टीम का ध्यान ना हो तो शायद वो जगह सेफ हो, चल सकते हैं वहाँ पे। हाँ तो वहाँ चलते हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है, वो मतलब अंडरग्राउंड पे था तो हो सकता है कि क्या पता वो सेफ हो, तो कुछ टाइम के लिए तो हम मतलब सेफ रहेंगे वहाँ पे। एक सेकंड, सही कह रहे हो आप। वेट, बोट भाई शिट, मेरे सामने 1 2 3 4 5 बंदे खड़े, नहीं 6 बंदे खड़े हैं, 6 बंदे हैं टेडी भाई। अब क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम, लड़ते हैं और क्या। लड़ते हैं, हमारे पास 1 हिट शॉट भी नहीं है, 6 बंदे हैं भाई ये, नेदरराइट आर्मर के साथ, हाथ में टोटम है इनके पास, सबके पास एन्चेंटेड बो है। बोट भाई, भाई। भाग के भी कहीं जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, क्या करना है जल्दी बताओ भाई। लड़ते हैं क्योंकि भागेंगे तो ये पकड़ ही लेंगे। अरे यार चलो तो फिर लेट्स गो, चलो लेट्स गो। डेड बोट भाई, इतने सारे बंदे भाई। अरे यार बोट भाई मरना नहीं है, मरना नहीं है, प्लीज सर्वाइव करना जैसे भाई। कोशिश कर रहा हूं। शिट। बोट भाई, भाई टेडी भाई यहां बचाओ, तीन बंदे मार रहे हैं मुझे। अरे मेरे पीछे भी 2-3 बंदे हैं टेडी भाई, कहां हो तुम, प्लीज बचाओ भाई। टेडी भाई तीन बंदे मार रहे हैं मुझे यहां पे, तुम हो कहां, जगह पे पर्पल जगह के पास, आइस वाली जगह के पास, आइस वाली जगह। मैं आ रहा हूं मरना मत भाई, यहां पे शिट। मैं दिख गए आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं टेडी भाई, आ गया बस आ गया। शिट, मैं फंसा हूं, मैं हील कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं।
फ्लैट बोर्ड भाई पल करो निकलो यहाँ से भाई। निकला निकला निकला, दो बंदे आगे फिर भी पीछे मेरे। शिट ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये तीन बंदे मेरे पे है, कैसे बचूंगा मैं? शिट यार, मेरे से मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। एक इस बंदे को मैंने काफी लूट लिया। शिट, किसी का टोटम पॉप हुआ। मेरा पापा बोट भाई, नहीं मरना नहीं है, मरना नहीं है भाई। ये बंदे भाई, शिट भाई, करो यूज करो। हाँ बट मैं तुम्हें अभी कैसे दूं? शिट, शिट, मैं गया। शिट, क्या हुआ? शिट, मार दिया टेडी भाई। शिट, ओके ओके गाइस, मैं सरेंडर करता हूं। मैं सरेंडर करता हूं। नहीं शिट गाइस, मैं सरेंडर करता हूं, मारना मत। लेकिन तुम सब भाई मेरे को क्यों मारने वाले हो? तुम जिसने ओ शिट, ये बंदा आ रहा है सामने। वेट, व्हाट? हेलो टेडी भाई, नॉक नॉक। हेलो टेडी भाई। हाँ भाई बोलो। आपने इस एसएमपी में सबसे बड़ा रूल तोड़ा, इसीलिए हम नो मेरे को पता था, मैंने बाउंटी का रूल तोड़ा है ना। एग्जैक्टली और हमारे बॉस के अगेंस्ट जाने की आपने जरूरत की, मगर क्योंकि आप हमारे बॉस के बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए हम आपको मार नहीं सकते। हम केवल आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाने आए हैं। तुम्हारा बॉस कौन है? अगर वो मेरा अच्छा दोस्त तो फिर तो मुझे उससे मिलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाने ही आए टेडी भाई, मगर उससे पहले आपको एक जरूरी चीज करनी पड़ी। क्या? आपको अपने सारे हथियार, सारी चीजें, पूरी इन्वेंटरी अभी के इस शेल्टर बॉक्स में खाली करनी है, वरना हम आपको मार के करा देंगे। लेकिन मेरे पास वन हिट सोर्ड भी है, मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। टेडी भाई, जहाँ तक मेरा लॉजिक कहता है शायद आपकी वन हिट सोर्ड इस समय कूल डाउन पर होगी। वेट, ये बात तुम्हें कैसे पता? टेडी भाई, इस सर्वर में हर चीज की खबर रखता हूँ, ओसिरिस नाम है मेरा। वेट, ठीक है तो फिर मैं रख रहा हूँ अपना सारा सामान, मैंने वन हिट सोर्ड भी रख दिया, प्लीज इसको किसी गलत हाथों में मत लगने देना। गुड बॉय। ठीक है, मैंने अपना सारा सामान रख दिया, प्लीज मुझे मत मारना। ओके, टोटम रह गया, येलो टोटम। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मेरे को जहाँ भी लेके जाना चाहते हो ले चलो। ऐसे हम आपको अपने बेस की लोकेशन नहीं दिखा सकते टेडी भाई, वैसे आपको ये इस चीज से पता लग जाएगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं इस चीज से। वेट, ये क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड। मेरी पावर इनफाइनाइट डार्कनेस लूप। ओ शिट, अब चलें? ठीक है, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। बॉयज अभी करो। वेट, ये कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ गायब हो रहे हैं? वेट, कहाँ गए ये? ओके, मतलब समझ गए, बाकी की तो समझ गया, मैं समझ गया, ये हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगे। आ जाओ। ओके ठीक है, चलो ले चलो, कहाँ लेके जाना चाहते हो? ओके वेट, ये सब मेरे साथ आ रहे गाइस, मैं यहाँ से बच के भी नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे पास डार्कनेस है और मैं कहाँ ही भागूंगा जब मेरे को कुछ दिखेगा नहीं। ओसिरिस भाई, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे बॉस का बेस यहाँ से कितनी दूर है? क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है। ये वहाँ तक पहुँचा देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, वरना आप मेरे को थोड़ा खाना दे सकते हो, लाइक ब्रेड। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने बोला कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं बट मुझे नहीं पता वो कौन है। हिंदी बातें मत किया करो, मुझे थोड़ी रईसी पसंद है। ओह यस, लेट्स गो। टेडी भाई, मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं, तैयार हैं अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए? यस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे को भी देखना है कि आखिर वो है कौन। आपको ज्यादा सब्र नहीं कराएंगे, अब इसके आगे की जो आपकी जर्नी है वो आपको खुद ही तय करनी है। ओके, तो मतलब मैं अकेला कहाँ जाऊँ? मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वेट, वो ओ भाई, मैं मरते मरते बचा। वेट, यहाँ से आगे मेरे को खुद जाना है। अलविदा टेडी, ऑल द बेस्ट। अरे ओसिरिस भाई, बता के तो जाते कहाँ जाना है। शिट भाई, अब ये कौन सी जगह यार? एक सेकंड, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब समझ नहीं आ रहा लेफ्ट जाऊं या फिर राइट जाऊं। नहीं, एक काम करता हूँ, लेफ्ट ही चलता हूँ। ओके लेट्स गो, लेफ्ट में। ओ लावा है, ठीक है, मेरे को लगा भाई क्या आ गया। ठीक है, आगे चलता हूँ। ओके लेट्स गो। वेट, यहाँ पे दो रास्ते दोबारा आ गए, काम करता हूँ वापस से लेफ्ट ही चलता हूँ, लेट्स गो। ओके गाइस, यहाँ पे एक पार्कोर टाइप कुछ आ चुका है, लेट्स गो पार्कोर करते हैं। एंड लास्ट और रह गया, एंड लेट्स गो गाइस, ये मैंने कर लिया। ओके ओके ओके,
भाई ज्यादा डैमेज ना पड़े बस। ओके गाइस लेट्स गो, मैंने पार्कोर कंप्लीट कर लिया और अब चलते हैं आगे और यहाँ से लेफ्ट और दोबारा लेफ्ट ही चलता हूँ भाई, मैं लेफ्ट ही लेफ्ट चलता हूँ। भाई आखिर इस गैंग का लीडर है कौन और मिलेगा कहाँ पे? एक सेकंड, यहाँ पे प्लेजर का मुंह है। वेट भाई कैसी जगह है यार ये, और इसका लीडर कहाँ पे है? एक सेकंड ये कहाँ गया मैं, ये तो एक बंद कमरे जैसा है। एक सेकंड ये सामने युग, अरे युग भाई। हेलो टेडी भाई। हेलो युग भाई, यहाँ क्या कर रहे हो यार तुम? और एक सेकंड, मतलब तुम इस गैंग का लीडर हो और तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया है? टेडी भाई आपने सही नहीं किया। ओके युग भाई, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यकीन नहीं हो रहा तुम हो बाउंटी टीम के हेड। और हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या रूल तोड़ा है, मैंने बाउंटी का रूल तोड़ा है। एकदम सही समझा टेडी भाई, और अब आपको बैन होना पड़ेगा। अरे युग भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें देख के तो मतलब मेरे को वापस से उम्मीद जाग गई कि अब मैं स्पोर्टो भाई को वापस से अनबैन कर सकता हूँ और अपने मिशन को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। यार लॉयल एसएमपी में एक ही टीम है यार, ऐसा मत करो भाई। देखो मैं ये सब आपका मिशन कुछ नहीं जानता हूँ, पर रूल्स रूल्स होते हैं और मैं अपने रूल्स के लिए एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, तो आपको भी बैन होना पड़ेगा। अरे यार युग भाई कैसी बात कर रहे हो यार, फिर हमारी दोस्ती का फायदा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है मैं बैन हो जाऊंगा, बट यार तुम्हारी गैंग में इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं और तुम्हारी गैंग सर्वर की मोस्ट पावरफुल गैंग है, तो तुम जाकर उस गैंग को क्यों नहीं बैन कर देते यार? वो गैंग इतने ज्यादा मतलब सर्वर में हाहाकार मचा रही, तो जाओ और उस गैंग को बैन करो और खत्म करो। मैं उन्हें बेफालतू में क्यों मारूं जब उन लोगों ने मेरा कोई रूल तोड़ा ही ना हो टेडी भाई, और जब तक वो लोग हमारे रूल्स नहीं तोड़ेंगे मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। युग ब्रो वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे टीम मेंबर ओसिरिस ने मेरा सारा सामान ले लिया, वरना यहाँ से मैं कब का भाग जाता। बट स्टिल युग भाई सोच लो, क्या मेरे को बैन करना इतना ज्यादा जरूरी है? भाई मेरे को आपको बैन करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा मैं नहीं करता हूँ तो मेरे जितने भी टीममेट्स हैं वो सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे और सर्वर में हाहाकार मच सकता है। युग भाई बट स्टिल यार हम इतने अच्छे दोस्त हैं, तो मेरा फायदा क्या हुआ तुम्हारे दोस्त होने का? कुछ तो तरीका होगा, मेरे को बस उस गैंग को बैन करना है और कुछ नहीं। ओके टेडी भाई अब आप मेरे दोस्त हो एंड इतना हमने लॉयल में साथ में खेला है, हम बहुत टाइम से रहे हैं साथ में, तो इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, पर आपको 48 आवर्स बाद खुद सरेंडर करना पड़ेगा आके। ओके डन 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 डन, मैं 48 आवर्स बाद खुद यहाँ पे आकर सरेंडर कर दूंगा। बट क्या मेरे को तुम्हारी गैंग के कुछ मेंबर्स मिल सकते हैं उस गैंग से लड़ने के लिए, क्योंकि उस गैंग में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं और मैं अकेला उनसे नहीं लड़ सकता? नहीं डैडी भाई वो मैं नहीं कर सकता, वो लोग सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं और वो ऐसा सब कोई काम नहीं करेंगे। ओके युग भाई बट वो नहीं तो तुम ही सही यार, तुम तो मतलब इतनी बड़ी गैंग के लीडर हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी आ जाएगा, तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे? ठीक है मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, बट नॉट एज अ लीडर बट एज अ फ्रेंड। ओके युग भाई समझ गया, बस मेरे लिए तुम्हारा साथ काफी है, हम दोनों मिलके भाई उस गैंग को धूल चटा देंगे। बट युग भाई जैसे कि तुमने मेरे को 48 आवर्स दिए, क्योंकि 48 आवर्स बाद तुम्हें दिखाना होगा कि मैं सर्वर से बैन हो चुका हूँ, तो क्या मतलब इस सर्वर में कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, कुछ भी आर्मर टूल्स या कुछ भी ऐसा जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करे उस गैंग से लड़ने में? हाँ एक ऐसी चीज तो एग्जिस्ट करती है, और अगर हमें उसे पाना है तो हमें एक मॉन्स्टर का सफाया करना पड़ेगा जिसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसको मारने के बाद वो आइटम कुछ भी हो सकती है, कोई आर्मर कोई वेपनरी कुछ भी हो सकता है वो, और वो सर्वर में किसी ने आज तक ऑप्टेन नहीं किया। ओके तो लेट्स गो युग भाई, हमने वैसे भी साथ में मिलकर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उस मॉन्स्टर के बच्चे को भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो चलो युग भाई मिलकर उस मॉन्स्टर को हराते हैं और अगले 48 घंटों के अंदर उस गैंग का नाम इस सर्वर से हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लेट्स गो। ठीक है युग भाई अब आगे करना क्या है? देखो टेडी भाई अभी ना मुझे एसएमपी मेंबर्स को कुछ इस तरीके से दिखाना होगा कि मैंने आपको मारकर बैन कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपका हेड चाहिए अभी, और उसके बाद क्या होगा जब मैं आपको रिवाइव करूंगा वापस से, तो आप स्किन चेंज करके आ जाना जिससे किसी को शक ना हो, और बाकी का तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है समझ गया, तो ओके लो मुझे मार के जल्दी मेरा हेड ले लो। चलो भाई लेट्स गो। ओके तो मैंने टेडी भाई को परमानेंटली सर्वर से भी बैन कर दिया है, और सर्वर में जाके सबको बता दूं कि टेडी भाई परमानेंटली भी बैन हो चुके हैं, और अगर प्रूफ चाहिए तो ये लो उनका हेड। ओके ठीक है मैं बता देता हूँ, चलता हूँ लीडर। हेलो युग ब्रो काम हो गया क्या? हो गया भाई सारा काम हो चुका है। वैसे आपने स्किन चेंज की? हाँ मैंने भी स्किन चेंज कर लिया। चलो भाई मैं आपको रिवाइव करता हूँ फिर। ठीक है लेट्स गो मेरी भाई बच्चों। ठीक है तो अब आगे का प्लान क्या है, कहाँ जाना है हमें उस मॉन्स्टर को मारने या जो भी वो चीज है, कहाँ जाना है? देखो डैडी भाई मैंने इसकी सारी तैयारियां कर रखी है, और इस साइड पे है वो सीक्रेट दरवाजा, इसके अंदर आ जाओ। वेट व्हाट, ये कौन सी जगह है? यस ये मेरा सीक्रेट बेस है, और वो पोर्टल देख रहे हो उसके अंदर हमें जाना है। ओके युग भाई मैं क्या ऐसे जाऊंगा इस पोर्टल में? मेरे को कुछ तो दो आर्मर वगैरह। ओके कोई ना मेरे पास अब एक किट पड़ी है, वो आप यूज कर लो। ये लो ठीक है
लेट्स गो। यस ले लो। वैसे बाय द वे मैं एक चीज आपको बता दूं टेडी भाई, पोर्टल के अंदर घुसते ही हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक बुक के थ्रू सारी बातें करनी पड़ेगी। वेट, हम जैसे अभी बात कर पा रहे हैं ऐसे नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं। और दूसरी बात, ये अंदर जो मॉन्स्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और उसको मारना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो मतलब ये करने वाले हम पहले बंदे बनने वाले हैं। यस ठीक है। तो जैसा कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है और उसको आज तक किसी ने भी नहीं मारा, तो हाँ उसके लिए हमारी सिनर्जी भी अच्छी होनी चाहिए। ओके अरे युग भाई, सिनर्जी तो हमारी अच्छी है, लॉयल एसएमपी के सीजन 1 में हम एक ही टीम में थे। ओके युग ब्रो, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। लेट्स गो। चलो लेट्स गो। मेरे पास बुक एंड कोयला, इसके थ्रू हम बात करेंगे। ठीक है चलो चलते हैं, आ जाओ। अरे हेलो युग भाई, युग भाई हेलो। अरे लगता है आवाज नहीं आ रही। कहाँ जाना है युग भाई? ये लो, जल्दी बताओ कहाँ जाना है। ओके लेट्स गो, फॉलो द पाथ। ठीक है लेट्स गो, तुम आगे चलो युग भाई। युग भाई तुम आगे आगे चलो 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 चलो। ओके चलो भाई। ओ युग भाई नीचे कूद गए, नीचे पता नहीं क्या है। लेट्स गो। अरे एक सेकंड, ये कहाँ गया मैं? अरे अरे अरे, ओ फुल डैमेज नहीं मिला। चलो युग भाई लेट्स गो। ठीक है भाई, गाइस ये हम कहाँ जा रहे हैं भाई? गेट पे गेट ओपन हो रहे हैं। वेट व्हाट भाई साहब, एक सेकंड, ये क्या है? अब क्या करना है भाई? ये क्या खतरनाक रास्ता है यार, मेरे को तो काफी ज्यादा डर लग रहा है ब्रो। लेट्स गो। चलो 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 भाई, यहाँ से गिरे तो सीधा खत्म है। ओके यहाँ से तो बच सकते हैं, बट अगर मैं सीधा नीचे गिरा तो भाई पता नहीं क्या होगा। अरे हम पर्ल करके भी तो जा सकते हैं। रुको मैं एक बार इन्हें हिट कैसे मारूं। युग भाई वो एक सेकंड, कैसे मारूं नीचे ना गिरे। हाँ ये बुक। ओके ठीक है चलो भाई क्या हुआ, पर्ल करके चलते हैं। ओके युग भाई ने कहा है रिस्क है, हम प्रो हैं। चलो भाई ये लो। ओके युग भाई ने लिखा है पहले आप, ठीक है। ओके तो देखो ऐसे निशाना था और लेट्स गो। चलो यहाँ पे पल करो सीधा, बहुत बढ़िया। ठीक है अब और नीचे चलते हैं, बस निशाना लगाओ नीचे और पल फेंक दो। लेट्स गो। ठीक है वैसे हमें नीचे जाना है। चलो 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 चलो, एक काम करता हूँ युग भाई चलो। लेट्स गो। अरे सॉरी 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 सॉरी। ठीक है चलो 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 आगे चलते हैं। लेट्स गो गाइस। भाई ये बहुत ज्यादा रिस्की जगह लग रही है, लेकिन पता नहीं हमको कहाँ जाना है। ओ ये क्या है, ये कैसे खुल रहा है? ओ भाई कैसे खुल रहा है ये, और ये किसी का मुंह है। अरे युग भाई गए। चलो ठीक है आप कहाँ जाना है? वेट ये क्या है, ये क्या है? ओ ये क्या बड़ा सा दरवाजा है। वेट ये खुल क्यों नहीं रहा, ये खुल क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड, इसको खोलने का रास्ता है क्या कहीं पे? लेट्स गो युग भाई, मेरे को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये खुलेगा कैसे? वेट भाई कितनी स्केरी जगह है ये, पता नहीं भाई यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है। लेट्स गो। एक सेकंड युग भाई, ये क्या है, फ्लैश प्रिजन? अरे लेकिन ये है कहाँ भाई, देखने में तो ये कोई मॉन्स्टर टाइप लग रहा है, क्या है भाई? वेट ये खुलेगा कैसे? अरे ये मैं भी तो ये पूछ रहा। अच्छा युग भाई ने लिखा वेट, वेट ओ ओ एक सेकंड, ये कौन है सामने? अरे मैं क्या जाऊँ आगे, तुम जाओ ना, तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा भाई। ये कौन है सामने भाई, ये कुछ ग्लिच टाइप हो रहा है। अरे युग भाई जाओ ना यार, तुम तो भाई सर्वर में इतने टाइम से हो। युग भाई जाओ जाओ युग भाई, भाई क्या आवाज़ है। अरे युग भाई कहाँ गए? अरे युग भाई अकेले चले गए। युग भाई मैं आ रहा हूँ, युग भाई कहाँ? अरे अरे शूट 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 शूट। अरे युग भाई कहाँ है युग भाई? अरे यार युग भाई क्यों नहीं दिख रहे मेरे को? युग भाई तुम क्या हो यार, मैं तुम्हें इतना ढूंढा। युग भाई इसको मारते, चलो सोर्ड से मारते हैं इसको। अरे यार ये बुक गलती से गिर गई मेरे से, एक सेकंड। चलो सोर्ड से मारे। अरे यार इसका समझा मैंने गलत लिख दिया वैसे तो। युग भाई ये लो जल्दी, ये लो, चलो 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 साथ में मारेंगे साथ में। अरे यार वो बुक का जल्दी बुक उठाओ। अरे युग भाई बुक उठाओ बंद करके, जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 पल करते हैं इस पे। लेट्स गो। एक सेकंड, वो इसको तो डैमेज ही नहीं हो रहा।
अरे इसको डैमेज नहीं हो रहा, क्या चीज है ये? ये आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, भाई क्या चीज है ये? अरे यार एक सेकंड, भाई इसको डैमेज ही नहीं हो रहा। भाई ये लिखने के चक्कर में मर ना जाऊं। अरे युग भाई कहाँ है? इसको तो डैमेज ही नहीं हो रहा यार। भाई अब समझ में आया, भाई आज तक इससे वो चीज कोई ले क्यों नहीं पाया। वेट कैसे मारे इसे, तो डैमेज ही नहीं हो रहा। वेट इसको थोड़ा सा, ओ इसको डैमेज हो रहा है। हमें एक टाइम पे सही जगह मारना है। इसको डैमेज हो रहा है, इसको डैमेज हो रहा है। वेट जैसे ये एक सेकंड के लिए दिखता है हमें तभी मारना है। ओ इसको डैमेज हुआ जब ये हवा में उड़ा है, तब इसको मारना शायद। मेरे को तरीका मिल गया, अगर मैं इसको बो से मारूं, एक बो से मारता हूं इसको, ये फ्रीज हो गया। वेट इसकी हेल्थ दोबारा फुल हो गई, ये चल क्या रहा है? अरे ये चल क्या रहा है, इसकी हेल्थ तो दोबारा फुल हो गई। अरे यार शिट, एक सेकंड। अरे भाई क्या है, इसकी हेल्थ कभी अभी इतनी मुश्किल से कम करी थी, मैं शॉट मार के दोबारा हो गई। इसको डैमेज, अरे मैं मरने वाला हूँ। नहीं 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 नहीं, बच गया। ठीक है, इसको डैमेज हो तो कहा है पर इतना नहीं। ये क्या है, एक सेकंड भाई। युग भाई ये लो, ये बुक लो, जल्दी 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 जल्दी। भाई इसको बो से ही मारना पड़ेगा, पता नहीं सोर्ड से इसको डैमेज हो रहा है, बो से हो रहा है, किससे हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा इसको। अरे यार मेरी हेल्थ, मेरी हेल्थ, मेरी हेल्थ, मारी मत मारी मत मार। ओ भाई क्या डैमेज दे रहा है ये। ठीक है ओके, इसको डैमेज कहाँ मारूँ भाई, हवा में किसको मारूँ, कुछ दिख नहीं। ओके दिखाइए, दिखा भाई मेरा एरो से इसको डैमेज हो भी रहा है या नहीं पता नहीं। लेट्स गो, ओके गायब हो गया। वेट फिर आया, गायब हो गया। भाई कर क्या रहा है ये? अरे यार शिट शिट शिट, मेरा टोटम पॉप होने वाला है। मेरा टोटम बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। ओके भाई ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज है भाई, अब समझा इसको कोई मार क्यों नहीं पाया। भाई मेरे को नहीं पता आज मैं और युग भाई इसको मारेंगे या फिर अपना हेड यहीं ड्रॉप करवा के चले जाएंगे। ओके ये वापस आया, इसको मारते हैं। भाई इसको बहुत ही कम डैमेज हो रहा है, इससे ज़्यादा तो हेल्थ फुल कर रहा है यार आके। इसको सोर्ड से भी डैमेज हो रहा है, अब मैं समझ गया इसको सोर्ड से भी डैमेज हो रहा है। बट एक सेकंड के लिए जब ये आता है तभी सोर्ड मारनी होती है, तो तुक्के से ओह शिट, मेरी हेल्थ, मेरी हेल्थ, मेरी हेल्थ, मेरी हेल्थ, मेरी हेल्थ, मारिए मत। ओ यू भाई इसको सोर्ड से भी डैमेज हो रहा है। ओके अभी आया, इसको मार सकते हैं, मर। अरे यार मर जा, उसको इसको डैमेज हुआ बट इसने फिर से हेल्थ फुल कर ली, इसको डैमेज हुआ। ओके मारता रहूँ मार, ओके यहाँ पे इसको डैमेज हो रहा है। देखो जैसे ही एक सेकंड के लिए आता है तुक्के से मेरी सोर्ड लग जाती है इसको। ओके मर रहा है ये, मर रहा है। ओ थोड़ी सी हेल्थ हो रहा है, गया गया शायद, गया गया क्या? ओ माय गॉड भाई साहब, फाइनली युग भाई हमने इसको मार दिया, हमने वो काम कर दिया सर्वर में जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मेरे पास बुक नहीं है, बुक दो बुक। भाई चैट में भी नहीं लिख सकता वरना सर्वर में कोई और पढ़ लेगा, बुक में ही बात करनी पड़ेगी जल्दी। भाई साहब लेट्स गो, यस ठीक है क्या है ब्रो, लेट्स गो, लेट्स गो बोला था ना हम साथ में कर सकते हैं। लेट्स गो, इम्पॉसिबल था ब्रो ये, पर हमने कर दिखाया। यस अब आगे, एक सेकंड वो जो मॉन्स्टर था वो यहीं कहीं पे मरा था, एक सेकंड। अरे युग भाई नीचे बुक है, रुको मैं लेके आता हूँ, मैं जा रहा हूँ लेके आता हूँ रुको। एक सेकंड इसका क्या नाम है, बुक ऑफ डेथ। अरे यार युग भाई को तो आवाज ही नहीं आ रही, एक सेकंड, अरे नहीं दिखा देता हूँ ना, ये देखो बुक ऑफ डेथ, ये क्या है? एंड ओ माय गॉड दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस सर्वर, ये बुक सर्वर की शुरुआत से थी बट आज तक किसी को ये नहीं मिली एंड फाइनली तुमको मिली, इट्स ह्यूज स्टडी। वेट व्हाट भाई, लेकिन ये काम कैसे करती है, क्या है ये? अरे ये काम क्या करती है? ओके बेसिकली तुम अगर इसमें किसी भी प्लेयर का नाम लिखोगे तो वो मर जाएगा ऑन स्पॉट। What, भाई? That's why इसका नाम बुक ऑफ डेथ है, ये डेथ नोट की तरह काम करती है। चलो तो फिर इसको लेके निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो, कहाँ है रास्ता जाने का बोरा, लेट्स गो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। लेट्स गो युग भाई जल्दी आओ, चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। एक सेकंड यहाँ से जाने का रास्ता, ओके ऊपर से था, वो हमें ऊपर पर्ल मारनी है।
लेट्स गो युग भाई, मैं निकल गया, जल्दी आओ। चलो युग भाई फटाफट यहाँ से निकलते, जल्दी आओ। लेट्स गो, हमारे पास सर्वर की मोस्ट पावरफुल चीज है। लेट्स गो युग भाई, फाइनली। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, डेथ नोट। मतलब एक तरीके से इसका नाम बुक ऑफ डेथ है, बट इसको हम डेथ नोट भी बोल सकते हैं। युग भाई इसके बारे में कुछ और बताओ ना। वेल टेडी भाई, आप जानते नहीं हो हमारे हाथ इस वक्त क्या लग चुका है। ये बुक आज से कुछ टाइम पहले जब सर्वर बना था ना, तो सिर्फ मिथ बन के रह गई थी कि ऐसा कुछ नाम का है, होता होगा। पर जब लोगों को इसके बारे में कुछ मिला नहीं, तो सब लोगों का विश्वास उठ गया कि ऐसी बुक तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। पर टेडी भाई अब ये बुक हमारे हाथ लग चुकी है, तो आप समझ सकते हो ये बुक क्या क्या कर सकती है। तो ये लो टेडी भाई, मतलब कि हम इस बुक में जिसका भी नाम लिखेंगे वो मर जाएगा। यस। तो भाई इसकी वजह से तो हम किसी को ही मार सकते हैं। ठीक है युग भाई, तुम पे ट्राई करता हूँ सबसे पहले। अरे 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 भाई ये क्या कर रहा है, मजाक कर रहा हूँ। तो युग भाई थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, और अब बारी है उस गैंग को सबक सिखाने की। यस ठीक है युग भाई, लेकिन अब आगे का प्लान क्या है, उस गैंग को हम मारेंगे कैसे? यस रेडी भाई, तो मेरा आगे का प्लान ये रहने वाला है बेसिकली। युग भाई ये कौन है? अबे एक सेकंड, ये कौन है? वेट, ये मेरे पास का नाम नहीं दिख रहा, जानते हो? बुक दो, इसको टेस्ट करने का। इसने हमको देख लिया साथ में, और इसने हमारी बातें भी सुन ली। पर एक सेकंड, ये आ रहा है। ओके, मरा क्या? ओ लेट्स गो, ओ भाई ये बुक तो सच में वर्क करती है। लेट्स गो, ये लो बुक, लो भाई, क्या सही में बुक है भाई, इतना ज्यादा ये मिथ भी तो का। Let's go! नहीं मित्र, ये बुक सच में वर्क करती है। अब तो वो गैंग गई। तो युग भाई Let's go. मेरे पास एक प्लान है।